वेलकम इन ममता की स्थालिका फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम एक बिल्कुल अच्छी और बहुत ही सबकी पसंद, बच्चों की भी बड़ों की भी, एक मैं डिश लेकर आई हूँ। डिश क्या, स्नैक्स भी कह सकते हैं आप इसमें। आपने ये ऐसी चोकोपाई खाई होगी मार्केट की, तो आज हम यही ऐसी इससे भी अच्छी चोकोपाई घर पे बनाएंगे, ठीक है। तो प्लीज जो नए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो पुराने हैं वो प्लीज साथ में बने रहें और प्लीज फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से आपको एंड तक समझ में आता है कि पूरी डिश कैसे बन के तैयार हुई या पूरे स्नैक्स कैसे बन के तैयार हुए। और ये तो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आती है चोकोपाई। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हम बहुत अच्छी फिलिंग बनाएंगे, बहुत अच्छी चोकोपाई बनाएंगे। देखिए, ये मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं ब्रिटेनिया के। ये देखिए, ये मैंने ब्रिटेनिया के डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए। आप यदि डायबिटीज के लिए मतलब करना चाहते हैं या कोई और हेल्दी ऑप्शन आपके पास है तो आप वो ले सकते हैं। ये देखिए, और मैंने ये मिल्क मेड लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मिल्क मेड है मेरे पास और ये मेरे पास मिल्क पाउडर है। ये मैंने 4 स्पून लिया है मिल्क पाउडर और ये मेरे, अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। और ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है। देखिए, ये मेरे पास कंप्लीट डार्क चॉकलेट है। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास मिल्क पाउडर है, हम मिल्क मेड मिला के इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये थिक फिलिंग बन के तैयार हो गई है। ये काफी थिक फिलिंग है और ये हमें थिक ही चाहिए, तभी हमें पेस्ट अच्छे से पेस्ट होगी इसके ऊपर। तो चलिए एक सैंडविच हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने लिया है, अब इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ। और ये देखिए, को जितनी फिलिंग करनी है आप उतनी फिलिंग इस पे कर लीजिए। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी लगती है। और आपको बताती हूँ कि चॉकलेट तो देखिए, बच्चे हो बड़े हो सभी को बहुत पसंद होती है। तो वैसे ही बहुत हेल्दी है। मेरी करीब 4 टीस्पून ये वाली स्पून मिल्क पाउडर था और करीब 5 स्पून मेरी मिल्क मेड इसमें किया है। देखिए, सैंडविच तैयार हो गया। अब हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए मेरी ये फिलिंग तैयार हो गई है और ये मेरा सैंडविच तैयार हो गया है। और अब हम इसको सारी जितनी भी बिस्किट्स हैं ये सबकी बना लेते हैं, फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सारे सैंडविच हेल्दी भी हैं और ये सारे सैंडविच तैयार हो गए। अब इसके बाद 15 मिनट्स मैं इनको फ्रिज में रखूंगी, ये सेट हो जाएंगे खूब अच्छे से। और ये आपको पता है, मैंने डार्क चॉकलेट आपको बताई है, मैंने डार्क चॉकलेट ली है क्योंकि डार्क चॉकलेट की जो कंसिस्टेंसी होती है जमने की होती है। तो इसको हम दो तरह से, माइक्रोवेव से भी हम मेल्ट कर सकते हैं और डबल बॉयलर से भी कर सकते हैं। तो मैं माइक्रोवेव से करूंगी। और ये मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगा के ट्रे तैयार कर ली है। अभी चलिए मिलते हैं, मैं इन्हें 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ सेट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चॉकलेट 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव की थी। और चॉकलेट को माइक्रोवेव में यदि आपको मेल्ट करना है तो आप बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बॉल जो गर्म हो जाता है उसकी जो गर्मी है उससे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। और इसको बहुत अच्छे से ऐसे टेम्परिंग करेंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि उससे क्या है, जितनी आप टेम्परिंग करेंगे उतनी उसमें शाइनिंग आएगी। तो चलिए, मैं इसे 30 सेकंड के लिए, वैसे तो देखिए कितनी हो गई है, मेरे को इसमें जितना भी था ये हॉट था। और मैं इसे, चलिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ, चॉकलेट सबको एक बहुत पसंद होती है, एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छी बात बताती हूँ। चॉकलेट और पानी एक दूसरे के दुश्मन है। एक ड्रॉप भी वाटर या मॉइस्ट नहीं होना चाहिए आपका कोई भी पॉट, आपका स्पैचुला, एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसे 30 सेकंड और करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, मैंने 30 सेकंड और कर लिए माइक्रोवेव। और मैं, यदि आप गैस पे करना चाहते हैं, आपके पास माइक्रोवेव में नहीं करना चाहते तो डबल बॉयलर से करेंगे। नीचे एक पॉट रखिए, पॉट के अंदर पानी रखिए, उसमें बबल्स आने चाहिए और ऊपर से ये रख दीजिए जो इसे मतलब छोटा हो, ताकि ये आप कर सकें।
अब ये देखिए, मैं देखिए कितनी शाइनिंग आती जा रही है, आप ये देखिए कितनी शाइनिंग आती जा रही है, ये देखिए जितना मैं इसे फेटूंगी बीट करूंगी, ये देखिए कितनी अच्छी होती जा रही है, उतनी शाइनिंग होती जा रही है। एक चीज और बताती हूँ आपको, तब लगेगा कि ये आप इसको टेस्ट करने का तरीका है कि आप जरासी ले और लिप्स पे रखें, क्योंकि लिप्स पे यदि आपने जरासी रखी और आपको मतलब आप बिल्कुल भी हॉट नहीं लगी, मींस कि आपकी चॉकलेट रेडी है। ये देखिए ये मेरे सैंडविच भी एकदम रेडी हो गए हैं, एकदम सेट हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं और बिल्कुल सेट हो चुके हैं। हमने इन्हें ठंडे इसलिए भी किए हैं कि हमें चॉकलेट से रैप करने हैं, और ये हमारी चॉकलेट ये देखिए बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी चॉकलेट, और इसमें शाइन भी पूरी आ चुकी है। तो चलिए हम फटाफट से कवर करते हैं एक एक, ये देखिए हम एक लेते हैं इसमें डालेंगे, और हम फॉक्स लेंगे, ये देखिए स्पून नहीं लेंगे फॉक्स लेंगे, बहुत इजी होगा। ये देखिए हम इसको ऐसे कोट करेंगे, ये अच्छे से कोट करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे, और हमने बटर पेपर की तैयारी करके रखी है, बटर पेपर हमने तैयार करके रखा है, अच्छे से कोट करके और हम इसे बटर पेपर पे निकाल लेंगे, और ये उतनी ही टेस्टी लगेगी, आपके बच्चे ना बहुत शौक से खाएंगे। चलिए मैं सारे कोट करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये बहुत अच्छे से कोट हो चुका है, इसको हम ऐसे बटर पेपर पर रख लेते हैं। तो देखिए मैं सारे करके मिलती हूँ आपसे। देखिए फॉक्स से मैंने इसलिए पकड़ी थी कि जो एक्स्ट्रा हो जाएगी वो डिप हो जाएगी ऐसे। तो देखिए फटाफट बनाती हूँ मैं सारी, ये देखिए फ्रेंड्स मेरी सारी तैयार हो गई हैं और हेल्दी हैं। आप कोई से भी बिस्किट लीजिए, चोकोपाई का मतलब क्या है, सैंडविच बीच में फिलिंग, तो आप चोकोपाई है पूरा फिलिंग है सैंडविच है, और आप ये अपने घर की बनी चॉकलेट चोकोपाई एंजॉय करेंगे। 15 मिनट रखती हूँ इनको फ्रिज में, और निकालने के बाद भी ये जो चोकोपाई है, क्योंकि मैंने बताया था डार्क चॉकलेट की कंसिस्टेंसी जमने की होती है, दूसरी बात क्या, हमने पूरी अच्छी टेम्परिंग करी है, अभी हम इन्हें 15 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव करते हैं, फिर मिलते हैं। सॉरी माइक्रोवेव नहीं, 15 मिनट्स इन्हें फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रख के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाली है, चेक करते हैं। वाह, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है मेरी चोकोपाई, ये देखिए कितनी अच्छी चोकोपाई बनी है, मार्शमेलोज नहीं है, बिस्किट है, हेल्दी बिस्किट है, डाइजेस्टिव बिस्किट है, ये देखिए, ये देखिए आप ये बिल्कुल बच्चों को बनाइए, एक तो हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों को बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा, आप टिफिन में भी दे सकती हैं बच्चों को, ये देखिए आप बनाइए खिलाइए, ये देखिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। प्लीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब ये हेल्दी चोकोपाई बना सकें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।